सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त वीके वाई और आप देख रहे हो वीके वाई गेमिंग स्टार जी। सो गाइस, यहां पे आपका भाई वापस से आ चुका है एक नई वीडियो के साथ में। और आज इस वीडियो में आप लोगों का भाई बताने वाला है कि जो रियल क्रिकेट 22 जो गेम है ये 2GB रैम के अंदर चलेगा कि नहीं चलेगा। और साथ में आपका भाई यहाँ पे बताएगा कि एक्सपेक्टेड रिलीज डेट कब है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। आज इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 3 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा निपटा देने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही काम करने को मैं आपको बोल रहा हूं। तो सबसे पहला चीज जो आप सभी में से बहुत लोगों 99% ने कमेंट किया है कि भाई ये 2GB रैम के अंदर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं गाइस, ये 2GB रैम के अंदर आराम से चल जाएगा। बस आपको मीडियम ग्राफिक्स करके या लो ग्राफिक्स करके खेलना पड़ेगा। रियल क्रिकेट 22 आप सभी लोगों के अंदर आराम से 2GB रैम के अंदर चल जाएगा। अब मैं एक चीज और कहूंगा गाइस, आप लोग अगर आपने इसके ग्राफिक्स को चेक किया होगा तो ग्राफिक्स उतने क्वालिटी का, उतना हाई ग्राफिक्स नहीं देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ आप सभी लोगों जिनके जिनके 2GB रैम वाले फोन है उन्हीं सभी के लिए किया गया कि ग्राफिक्स को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया, ताकि सारे के सारे एंड्रॉइड वर्जन जितने भी 2GB मोबाइल वाले गेम जो भी मोबाइल से उनके अंदर चल जाए। तो ये आपका पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया कि 2GB रैम के अंदर रियल क्रिकेट 22 आप सभी के अंदर जरूर से जरूर चलने वाला है। अब बात करते हैं रियल क्रिकेट 22 का रिलीज डेट, जिसके लिए बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो और पूछ रहे हो मुझे जब से रियल क्रिकेट 22 का ट्रेलर आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, जब लास्ट ईयर यानी 2020 में जब इसका ट्रेलर आया था रियल क्रिकेट 20 का, तो उसके जस्ट 20 से 25 दिन के अंदर इन लोगों ने गेम को भी लॉन्च कर दिया था। जी हां गाइस, 20 से 25 दिन के अंदर इन्होंने गेम को लॉन्च कर दिया था। अब इस टाइम भी लगभग 2 तारीख को 2 मार्च को इन लोगों ने ट्रेलर को लॉन्च कर दिया था। और तो इसके हिसाब से अगर देखने जाए तो 20 से 25 दिन के अंदर यानी कि लगभग 26 से 27 या 28 के बीच में आप सभी लोगों को गेम देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है 27 मार्च से IPL भी स्टार्ट हो रहा है, तो कंपनी जरूर से जरूर ट्राई करेगी कि IPL से पहले आप लोगों को देखने को मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स अगर टाइम ड्रैग होगा तो गाइज 1 अप्रैल यानी कि 1st week of April तक ही जाएगा, इससे ऊपर आप लोगों का गेम नहीं जाने वाला है। 1st of April से पहले ये गेम कभी भी लॉन्च हो सकता है, इसकी गारंटी ले लो आप लोग। लेकिन अभी बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग फील आ रहा है कि यहाँ पे आप लोग 27th या 28th को ये गेम रिलीज हो जाए, जिस दिन IPL का चालू होने वाला है। बस इतना ही कहूंगा कि यार मचने वाली है तबाही यार गेम्स को लेके। अब आप लोग यार कमेंट करके बंद कर दो यार पूछना कि भाई कब आएगा, कब आने वाला है। मैंने आप लोग क्लियरली बता दिया हूं कि आप लोगों को लास्ट वीक ऑफ मार्च और 1st week of April के इन्हीं 2 वीक के बीच में ही गेम आने वाला है। तो इन 2 वीक को अच्छे से गांठ बांध लो और अच्छे से याद रख लो, आपको इन्हीं 2 वीक के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो यार ये वीडियो इतनी देर, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।